भारत का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हमारा ये पूर्वी हिस्सा विकसित होगा, और इसलिए भाजपा नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए समर्पित है। विशेष तौर पर कनेक्टिविटी, हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे, इंफॉर्मेशन वे पर हमारा फोकस है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के विकास के लिए हमारा प्रमुख एजेंडा है। इसी पर चलते हुए करीब 90,000 करोड़ रुपये नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। बीते 4 वर्षों के दौरान 1000 किलोमीटर रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। करीब 50,000 करोड़ की लागत से 15 नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हर राजधानी को ब्रॉड गेज से जोड़ने का अभियान चल रहा है। उनाउतु कहिने जन कन्गाई पोइमो बर्चु इन कल्पोना रेलवे अनियमो हाईवे अनियमो एयरवे अनियमो ट्रांसफॉर्मेशन टो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी कन्गाई पो नॉर्थ ईस्ट दान हियन वाइबल छे सीम कुओ क्रोर थाउजेंड कंदाने। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाजपा की सरकार गति पर भी ध्यान देती है और प्रगति पर भी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उस दरमियान नॉर्थ ईस्ट में हर साल करीब 100 किलोमीटर रेल लाइन बनती थी या ब्रॉडगेज में बदली जाती थी। अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो इन्हीं कामों की गति 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। पे सरकार लाखा नोटिस रेल को सीएमनाथुकानी मासे वैनिया कन सरकार एरो चुन मुन थुम पुंती रे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पुराने एयरपोर्ट्स को या हेलीपैड्स को अपग्रेड किया जा रहा है, उनको उड़ान योजना से जोड़ा जा रहा है। 5000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे बन रहे हैं। करीब 5,000 करोड़ रुपये के टेलीकॉम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें से भी अकेले मिजोरम में बीते 4 वर्षों में करीब 225 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, जबकि 200 किलोमीटर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला गया है। मिजोरम के 50 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स पर केंद्र सरकार करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सेंट्रल सरकार हियन नॉर्थ ईस्ट आहियन सोना चुम हुन तम तक अपग्रेड था जोन नेशनल हाईवे केम सांग चुम फे असियम मिजोरम छुंगा पो केम जनी सियम मे कनेल सियम दोन कोंग पुई तम तक स्टेट हाईवे ही नेशनल हाईवे आ कंदाने चुमिया तान चुन सेंट्रल सरकार हियन वाइबेल से क्रोर सांगा बजट तथा इन दुना हियन मिजोरम आ पेकिन नान थोक मे कने। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अभूतपूर्व खर्च नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उससे रोजगार के हजारों अवसर भी बन रहे हैं। यहाँ के इंजीनियर हो, सर्वेयर हो, गाड़ी वाले हो, ट्रक ट्रॉली वाले हो, कामगार हो, अनेक तरह के रोजगार की संभावनाएं यहाँ मिजोरम में भी बनी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कनेक्टिविटी बेहतर होने से आपका जीवन तो आसान होता ही है, ईज ऑफ लिविंग तो बढ़ती है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता है। आने वाले समय में जब कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं पूरी होगी
तो टूरिस्टों की संख्या और बढ़ेगी और इसका सीधा मतलब है आपके लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए भी रोजगार के हजारों नए अवसर भी बनेंगे।